तो चलिए सीधा रुख करेंगे जौरा का, जहां पर हमारे साथ में संवाददाता अरविंद चौहान जुड़ गए हैं। उपचुनाव को लेकर तैयारियां काफी ज्यादा जोरों पर है और वहां के जो प्रत्याशी हैं सूबेदार हैं जो कि संवाददाता के साथ में इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अरविंद, सबसे पहले मैं यही चाहूंगी कि आप जनता को बताएं कि किस तरह का चुनावी माहौल जौरा में इस वक्त देखने को मिल रहा है। अमनदीप, निश्चित तौर पर कहेंगे इस समय चुनाव प्रचार जोरों पर है और सारे प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ यहाँ चुनाव मैदान में है, क्योंकि जौरा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ दल बदल का मुद्दा हावी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बनवारी लाल जाट साहब थे जिनका निधन हुआ है, जिससे सीट ये खाली हुई थी। हालांकि हम पूरे प्रदेश की बात करें अमनदीप, तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि दल बदल का गद्दार खुद्दार जैसे मुद्दे वहां बहुत बहुत प्रभावी है और कहीं ना कहीं मतदाता वहां भ्रम की स्थिति में है, किसे वोट दें किसे ना दें। लेकिन जौरा विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई माहौल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर निधन होने के बाद सीट खाली हुई थी और इस बार दोबारा फिर भाजपा ने सुबेदार सिंह रजौदा को यहां पर अपना भरोसा जताया है, तो नया चेहरा यहां दिया है कांग्रेस से पंकज उपाध्याय। अब देखना यह होगा 3 तारीख को अपना मतदान यहां की जनता किसे करती है। हम सबसे पहले चलते हैं सुबेदार सिंह रजौदा के पास। सर, सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसे देखते हैं आपको? मैंने परसों भी आपका लाइव गाँव में किया था तो लोग इंकलाब जिंदाबाद बोल रहे थे, अनुभवी चाहिए, टिकाऊ चाहिए, पंकज उपाध्याय भी युवा चेहरा है, तो कैसे मात देंगे एक युवा से, कैसे लड़ेंगे? युवा चेहरा नहीं, इसमें ये जो पंकज उपाध्याय जोरा से कांग्रेस के उम्मीदवार है ना, ये कांग्रेस की नाकामी है, ये कांग्रेस की असफलता है। अगर उनको ब्राह्मण कैंडिडेट देना था तो जोरा में पंडितों की कमी नहीं है, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको लड़ाया जा सकता था। लेकिन सबको पता है कि डूबती नदिया में कोई सवार नहीं होना चाहता। शायद यहाँ के लोकल पंडितों ने यह कहा होगा कि कांग्रेस का कुछ आधार नहीं है इसलिए प्रत्याशी नहीं हुए होंगे, या कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिला होगा। पंकज उपाध्याय माने कुछ नहीं है, ये तो डूबती नाव है, कल की घटना है। क्या बात है, आप तो सीएम शिवराज जी की भाषा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं जनता की भाषा बोल रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। मैं जनता में रहता हूँ, असल में कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। अब तो लोग बात कहते हैं वो तो पैसे वाला है, पैसे वाला है, वो तो खरीद लेगा, वो ट्रांसफार्मर धरवा देगा, रात रात में रोड बनवा देगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इस चंबल की धरती पर कोई लोग बकाऊ नहीं है या स्वाभिमानी है, जो कोई पूरी करोड़ों करोड़ में एक आदमी नहीं खरीदा जा सकता। ये भ्रम है कांग्रेस का, ये भ्रम है पंकज उपाध्याय का। यहाँ का चुनाव इस माटी के संस्कारों पर लड़ा जाता है, यहाँ का व्यक्ति यहाँ के कार्यक्रम उनको समझता हो। इंदौर का आदमी क्या समझे कि यहाँ का क्या आधार है, यहाँ की नब्ज क्या है, क्या नब्ज है, ये हमारे साथ आपके समर्थक उनसे जान लेते हैं। आप कैसे देखते हैं चुनाव को? पूरे प्रदेश की, हम चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ मुरैना जिले में 5 विधानसभा सीट में उपचुनाव हो रहे हैं, एक सीट ऐसी है जहाँ दल बदल का मुद्दा अभी नहीं है। आप पूरे क्षेत्र में घूमते होंगे, कैसे देखते हैं? हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी सुबेदार सिंह जी बनाए हैं बहुत अनुभवी है, उन्होंने पंचायत के सरपंच से चुनाव लड़ के मंडी का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, जनपद का चुनाव लड़ा, सारे चुनाव उन्होंने जीते। चुनाव का उन पर बहुत अच्छा अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता में सर्वे भी कराया, सर्वे में उनका बहुत ऊपर नाम था, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। बड़ा सफेद सा कुर्ता पहने हैं आप, झगाझग लग रहे हैं, भाग क्यों रहे भाई, भाग क्यों रहे, शिकरवार भागते कहाँ है? चलिए आपसे जान दें, आप युवा है कुछ, कैसे देखते हैं भाई आपके यहाँ की आपके सामने बिल्कुल प्रधानमंत्री के सामने युवा खड़े हुए हैं? आदमी से काम बोलता है, मतलब आप आइए सर, आप आम पब्लिक के बीच में रहकर देर रात लगे हैं। क्या बात है सर, नाम बताइए, कैमरे के सामने आइए, क्या नाम है आपका? सर राघवेंद्र सिंह। सर कैसे देखते हैं इस चुनाव को, दल बदल के मुद्दे को, पूरे जो मुरैना जिले में हावी है? यहाँ अभी इस बात तो बीजेपी का ही है पूरा, चंबल संभाग में पास ही खड़े हैं, बीजेपी का ही है, पूरे चंबल संभाग का ही है, यहाँ का तो बहुत अच्छी पोजीशन है, तो यहाँ से तो सुबेदार सिंह का बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। चलिए चलिए, कुछ किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका नाम क्या है? आप कह रहे केदार सिंह जी, क्या बात है, एक बात बताना बहुत ईमानदारी से, आप बहुत सही सही बोलते हैं, ये बताइए क्या यहाँ पर जातिवाद हावी होता है बिल्कुल ईमानदारी से? नहीं सर, जातिवाद नहीं, हमारे यहाँ जो काम करवाता है उसका ये जो सुबेदार सिंह ने क्या किया तो चलती है, चलती है पंडित विकास, पंडित को उन्होंने बिल्कुल सही है। अच्छा, जो विकास किया है हमारे यहाँ सुबेदार सिंह ने, जो विकास अच्छा आया था 70 साल में नहीं हुआ है वो विकास हमारे। चलिए आप भैया आप आइए आप, अरे आओ आओ भाई भाई भाई, अरे सुनो क्या बात है, आपके समर्थक पीछे हट रहे हैं। हाँ, हाँ, स्मार्ट से भाई चश्मा उश्मा लगाया भाई, तो क्या नाम है आपका? नीरज गोयल। नीरज गोयल, अच्छा मतलब ये रावत जी हैं, गोयल जी हैं। जाति का मुद्दे यहाँ पर कितने हावी होते हैं?
जातिगत मुद्दा तो चुनाव में रहता ही है थोड़ा बहुत, पर लेकिन अपने यहाँ तो विकास का मुद्दा है। अच्छा, अच्छा। अपन ने तो काम किया है, काम के बलबूते वोट मांग रहे हैं, काम के बल पे वोट मांग रहे हैं। जुबेदार सिंह साहब, आपके पास रावत साहब भी हैं, गोयल साहब भी हैं, एक सैनी जी भी हैं, हम आपसे एक सवाल छोटा देना चाहते हैं। आप बहुत जल्द, एक तो हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने हमें समय दिया इतने, क्योंकि अब आप जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, तो सबसे पहले इंटरव्यू करने हम ही आएंगे आपका। हमारी शुभकामना के लिए पहले ही है। जी जी, कार्यकर्ता रहना चाहते हैं हमारे विधायक जी, मंत्री का कोई उनको वो नहीं है। अरे खास आदमी है, केंद्रीय मंत्री का मंत्री बनने बनना है, हम तो पहले से कह रहे हैं, हम लोग तो एग्जिट पोल वाले लोग हैं। सर ये जानना चाहते हैं, यार जातिगत समीकरण कितने हावी हैं आपके क्षेत्र में? देखो जातिगत समीकरण तो है, पर मैं भी एक विशेष प्रत्याशी हूँ, कहीं भी पूछ लेना, मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता, मेरे को सब जातियां सपोर्ट करती हैं। मेरी जाति भी करती है, ऐसा नहीं है मुझे पूरी की पूरी, मेरी जाति मुझे सपोर्ट करती है, लेकिन कट जाती है पर मुझको अन्य लोग भी अपना अपने ही गुण देगा तो किसे देगा। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं ऐसी मतलब मेरा, मैं ये कहूँगा मेरा समाज नहीं देता है, तो मैं यहाँ तक आता घर से स्मार्ट से आदमी हमारे साथ आया, हमारे लेकिन तुम नाम सर बताइए अपना। प्रभाकर सिंह शिकरवा। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, यहाँ जातिगत राजनीति कितनी हावी, बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिए। जातिगत राजनीति है लेकिन इतना नहीं है, सबसे ज्यादा यहाँ पे व्यक्ति आदमी काम देखता है, और चाचा जी ने बहुत अच्छे कार्य किए। कर्ज माफी का को कैसे देखते हैं? कर्ज माफी तो हुआ है, कमल पटेल ने कहा भी था। ये तो देखो सरकारी नीतियां हैं, अगर उन्होंने भाजपा तो उसी मुद्दे पे लड़ रही ना चुनाव। नहीं भाजपा 15 साल के विकास पे भी तो लड़ रही है, चलने लगा दिए उसमें, कई चलने लगा दिए हैं भाजपा ने जो 15 साल कार्य किया। कर्ज माफी का जो मतलब, अगर 100 लोगों अगर कर्ज माफी में आ रहे हैं तो उसमें इतने चालने लगा दिए, तो छटके 2 लोगों को उसमें मिला। आप तो वो भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, सवाल ये दो लोगों को भी मिला है, उसके लिए भी उनको केवल प्रमाण पत्र दिया गया है, कर्ज बैंक में पैसे जमा नहीं किए। अभी उन लोगों को ये सर्टिफाई नहीं हो रहे है ना, कितने लोगों को माफ हुआ है, इस चीज को कौन सर्टिफाई कर रहा है। अच्छा हाँ। चलिए आपने यहाँ पे लगभग देखा मैंने